सो गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग के लिए। तो अभी हम लोग हैं बटमोला, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहले क्या बोलते हैं टंगमर्ग के लिए। तो गाड़ी मिलेगी गाड़ी गुलमर्ग के लिए, हाँ टंगमर्ग से मिलेगी गुलमर्ग के लिए गाड़ी। तो अभी रोड कुछ ऐसी दिख रही है, तो देख सकते हो ट्रैफिक यहाँ पे इतना हो रहा है अभी। तो अभी इन भैया के साथ बैठे हम, तो यहाँ से जाएंगे, देख सकते हो व्यू बाहर का। सो अभी हमारी गाड़ी रोक दी यहाँ पर, आर्मी के ट्रक से गुजर रहे हैं आप लोग देख सकते हो। तो अभी हमारा बचा है सिर्फ आधा घंटा यहाँ से, तो चलते हैं फिर देखते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टंगमर्ग में। तो टैक्सी वाले ने हमसे लिए सिर्फ 110 रुपये, और उससे पहले हमसे लिए थे पर पर्सन 110 रुपये लिए उन्होंने। एंड अभी हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे गुलमर्ग के लिए गाड़ी, लेकिन यहाँ पे अभी एक पार्क है साइड में, तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी, तो अंदर जाके मिलते हैं ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये है टंगमर्ग गार्डन, देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड अभी तक मैंने कोई इंट्रो नहीं दिया ना, चलो पहले इंट्रो देते हैं। और खूबसूरती यहाँ की देख सकते हो आप लोग, OMG। इस पार्क का हमें लगा है 5-5 रुपये टिकट, देख सकते हो बहुत सही है एंड बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, इट्स योर उरूज। सो मैंने अभी इंट्रो नहीं दिया था, तो मैं इंट्रो यहाँ पर दे रहा हूँ। ये टंगमर्ग है, यहाँ से गुलमर्ग है अराउंड 8-10 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पर अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड बहुत बढ़िया गार्डन है यहाँ पे, सिर्फ 5 रुपये लगे थे, मैंने आप लोग को दिखा दिया था। तो यहाँ से चलेंगे आगे एंड फिर दिखाते हैं आप लोग गुलमर्ग। एंड जब मैं गाड़ी में बैठ के आ रहा था ना, तो मेरे साइड इस साइड भी कश्मीरी बैठे थे, इस साइड भी कश्मीरी बैठे थे, और जो वो कश्मीरी बोलते हैं ना, तो बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ पाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर होता है सबका, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सब लोग, मतलब बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आप लोगों को गार्डन दिखाता हूँ फिर से दोबारा से, एंड फिर चलते हैं आगे, क्योंकि ज़्यादा हमें टाइम बचाना है वापस घर भी जाने, क्योंकि गुलमर्ग में स्टे नहीं करेंगे हम लोग, वहाँ से वापस आ जाएंगे एंड शायद वहाँ पे आप लोगों को बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ का 360 व्यू दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितनी बढ़िया ग्रीनरी लग रही है सब कुछ, एंड मौसम की भी वाइब्स अलग ही हैं, एंड काफ़ी सारे लोग भी हैं इधर देख सकते हो। तो देख लिया, तो अब यहाँ पे ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, चलते हैं आगे की साइड पर, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी गुलमर्ग के लिए। ओके, सो फाइनली वी आर एट गुलमर्ग एंड चेक आउट व्यू गाइस। ऐसे पता नहीं चल रहा है, मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाऊंगा ना, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। एंड यहाँ पर बस बारिश पड़ रही है, एंड यहाँ पे पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो मैं आप लोगों को बैक से दिखाता हूँ, देखना और फिर नीचे कॉमेंट्स में बताना। देखो गाइस, यहाँ पर जो वाइट आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ तो है, लेकिन उतनी नहीं दिख रही है अभी। एंड यहाँ पर चेक करिए, लग रहा है ना मैम जी बिल्कुल। तो अभी आगे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब थोड़ी देर यहीं पर रुकते हैं हम लोग। गाइस यहाँ पे गुलमर्ग आके थोड़ा चाय और बिस्किट खा रहे हैं अभी, इसकी चाय ये रखी है, तो देख सकते हो अभी इसको खाते हैं, फिर बाहर चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग वहाँ से बाहर आ चुके हैं, एंड यहाँ पर आप लोग चेक करिए क्या मस्त लग रहा है, बट जो रियल में कलर्स दिख रहे हैं ना, उतना अच्छा फ़ोन में नहीं दिख रहा है, रियल में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी देखते हैं क्या क्या करना है हमें, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप लोग ये नंबर देख रहे हो इन बाइकों के, इतने खतरनाक खतरनाक, इतने इतने दूर के, और व्यू तो OMG। हम लोग ना घर से सोच के आए थे कि यहाँ पर बर्फ़ मिलेगी देखने के लिए, बट यहाँ पर बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ऊपर की साइड में है जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था,
तो यहाँ पर आप लोग बैग का चेक करिए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों, ठीक है, एक आउट द प्लेस गाइस। अगर यहाँ पे बर्फ पड़ी होती तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, सोच सकते हो आप लोग। यहाँ पे बहुत ही मस्त लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोज़ खिंचवाता हूँ मैं एंड मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। एंड इस साइड कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी पता है रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा। साइकिल रेंट पे ली है 300 रुपये में एक घंटे के लिए, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ नीचे की साइड पे, पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं, थोड़ा आगे आ जाओ। और यहाँ पे ना व्यू इतने मस्त आ रहे हैं, एक बार पीछे से दिखा दो। तो गाइस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं साइकिल चला रहा हूँ एंड आपको एक घंटे बाद। एक हाथ से चला रहा हूँ साइकिल, हो तो देख सकते हो व्यू, ओए ओए ओए, पता है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। यहाँ पर नैनीताल में तो काफ़ी बार चलाई है, लेकिन यहाँ पे चलाने की बात ही कुछ अलग है। पता नहीं कितने सारे राउंड मार दिए मैंने यहाँ पर, हो एंड इसका ना ये वाला ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट है तो दब नहीं रहा है, इसलिए मैं हल्की स्पीड में चला रहा हूँ, तो आप लोग देखिए। तो फिर मैं चलिए थोड़ा साइकिल चला लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ। सो वी आर डन विद द गुलमर्ग। आप लोगों को मैंने हर चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करी है एंड अभी शाम के बजने लग गए हैं, कुछ 6:06 हो रहे हैं, तो अभी हमें वापस घर पे जाना है। तो आप लोग पीछे से आखिरी बार देख लो गुलमर्ग, तो यहाँ पे दोबारा आ पाए या ना आ पाए, बस एक आध अगर वीडियो चल जाएगी तो हम लोग दोबारा ज़रूर आएंगे। आज की वीडियो बस नहीं, मैं मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी वीडियो एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। अब मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो यार। और इससे अच्छी जगह क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को, गुलमर्ग से अच्छी जगह तो कोई है ही नहीं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।